जो डाइवोर्स हुई थी क्यों हुई थी सबको बताना चाहते हैं। 15 अगस्त को मैडम अपने घर जाती है, 21 अगस्त को लीगल नोटिस भेजती है और फिरोज खान से डिमांड करती है पैसे, अगर पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का और क्रिमिनल का केस का करूंगी। क्यों? अगर देट वॉज अ ट्रैप, पैसे बेशक कम थे, देट वॉज अ ट्रैप, अगर पहले मान जाते हैं तो इसका मतलब एडमिट किया जाता था तो डोमेस्टिक वायलेंस किया है। तो ये फैसला, तलाक का फैसला बड़ी मुश्किल से फेरोज साहब ने दिया था। तो कहने का मतलब है अभी देट वॉज अ इगो, अगर हम पहले लीगल नोटिस मान लेते इनकी बात तो इसका मतलब है हम वी हैव ऑफेंडेड, वी हैव डोमेस्टिक वायलेंस किया हुआ है, तो दैट इज वाई हम उसका पैसे दिए और इनको डाइवोर्स दिए। तो दैट इज द रीजन 21 सितंबर को इनका पोस्ट आता है डोमेस्टिक वायलेंस का 4 साल वाला। तो उसको रोकने के लिए गाजन वार्ड में हमने एप्लीकेशन लगाई ताकि इनको रोका जाए, केस की मेरिट को खत्म नहीं करे। अगर इनको कोई एलिगेशन से अपना पर फार्म में जाए उधर नहीं गए, इसी गाजन वार्ड के केस में, कस्टडी वाले केस में इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है वो बताता हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट जमा होता है स्टेटमेंट के साथ होता है और बताया जाता है कोर्ट से, परमिशन ली जाती है, ये डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा हूँ। इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, इन्होंने स्टेटमेंट नहीं ली, इन्होंने ऐसे जमा करवा दिया। कोर्ट का प्लेटफॉर्म मिस यूज हुआ है, उसी प्लेटफॉर्म का मिस यूज हुआ है, जैसे विकीलीक्स यूज हुआ था, ऐसे सोशल लीक्स हुए थे हमारे साथ, तो डैमेज हुआ था, नुकसान हुआ था। That was the whole reason of the claiming, the illegal threatening किया गया था, blackmail किया गया था, तो that is the reason of the divorce। ये चीज आप कौन बता दिए, हमारा डिफेंड हुआ है तो जाहिर सी बात है अब कैसे मेंटेनेंस इतना एज पर द रिमांड, क्योंकि ये इलीगल डिमांड बार बार रिवाइज होती जाए थी। अब ये कहेंगे इसका फॉरेंसिक, तो इसका भाई वकील का माइंड ही फॉरेंसिक होता है, 2-3 सवाल करके पता चल जाएगा। जैसे इन्होंने कहा जना में आंख सूजी हुई है, जना के लेटर में क्लियर तौर पर लिखा है फेस का एक्सरे करवाओ, वो एक्सरे नहीं करवाया, इन्होंने मोबाइल से सारे एक्सरे लिए, कैसे क्या करेंगे फॉरेंसिक तस्वीरों का? आप एक्सरे करवाया है तो जमा करवाओ ना एक्सरे ऑफ द फेस, 2-3 सवाल करेंगे सच पता चलेगा। और हमने यही कहा था सच कोर्ट को सबको बताएंगे, और यही रीजन है, मेरी गुजारिश है सब दोस्तों से, आप मीडिया में एक एसओ भी बनाओ जिसपे भी अगर इल्जाम लगता है, एलिगेशन लगता है, तो आप जजमेंट का वेट करो, जस्टिस का वेट करो, बजाय उसको बायकॉट करो, उसको बैन करो। दैट इज क्योंकि नोमा निजा साहब ने ये चीज बार बार कह चुके हैं, अपने सीनियर एक्टर से सीखे आप, ये आज हो चुका है फॉर द फ्यूचर, ऐसी एसओ भी बनाओ ताकि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। हमारे मुल्क में एक मशवरा आसान होता है और एलिगेशन लगाना आसान होता है, मगर भुगतता वो है जिसमें ये एलिगेशन लगा हुआ है, जिसमें ये दाग लगा हुआ है।